सब्सक्राइब कीजिए वीकेंड बैट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फूड चैलेंज वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बाइटर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीकेंड बाइट। फोन, स्पीकर, ये दो चीज है आज हमारे पास। इसको खाने का है? आज हम लोग ये नहीं खाने वाले हैं। आज का चैलेंज थोड़ा अलग है। आज के चैलेंज में हम लोग करने वाले हैं प्रैंक। और ये ऐसा है कि हम लोग फर्स्ट टाइम करने वाले हैं। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है अपने फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि हम लोग आज करने वाले हैं प्रैंक कॉल। वो भी किसको? अपने सबके चाहते वीवा फूड वर्ल्ड और हंग्री बर्ड। तो गाइस, हम लोग को पता नहीं है कैसे जाने वाला है। इधर है मेरे पापा का फोन। पापा के फोन में से मैं कॉल करूंगा, क्योंकि मोस्टली विश्वा के पास, विश्वा को कॉल करने वाला हूँ वीवा फूड वर्ल्ड में से और हंग्री बर्ड में से। देखते हैं उसका आगे होगा। पहले हम लोग करेंगे वीवा फूड वर्ल्ड को कॉल। तो उसके लिए विश्वा के पास मेरे डैड का नंबर नहीं है, तो मेरे पास उसका नंबर है, तो हमारी बातचीत होती रहती है। तो देखते पापा के फोन से कॉल करते और हम लोग कुछ अलग ही करने वाले हैं। देखते उनका रिएक्शन कैसे आएगा। मैं ट्राई करूंगा उनको इरिटेट करने के लिए, हम लोग थोड़ा आर्ग्यू करें, ऐसा पूरा ट्राई करूंगा और देखते हैं, पता नहीं वो कैसा रिएक्ट करेगा। और एक तो और बड़ी बात, तो हम लोग बहुत अरसों बाद उनको कॉल कर रहे हैं। यस, तो ये और मजा आने वाला है। अच्छा है, उल्टा मुझे पहचानेगा नहीं फिर। मैं थोड़ा आवाज हेलो ऐसा कुछ तो बात करूंगा। वैसे हम लोग, मतलब मैं आज बना हूँ डोमिनोज वाला, डोमिनोज के जो मैनेजर होता है वो मैं बना हूँ, ठीक है। और सागर रिएक्शन देगा सुन के। सागर पीछे से मेरे को आइडिया देते नहीं, ये तो नहीं नहीं, ये डोमिनोज का ये जो बॉय है और मैं इसका ये डिलीवरी बॉय वाला, ठीक है। चलो पहले कॉल करते हैं विश्वा को, जो है वीवा फूड वर्ल्ड में से। तो आई होप दोनों साथ में घर में ही रहते हैं, तो साथ में ही रहेंगे। आयो तो है, तो हम लोग जैसे भाई है वैसे ही वो लोग दोनों भी भाई है। तो पहले कॉल करते हैं विश्वा को। चलो, धक 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 हो रहा है, मुझे पता नहीं, थोड़ा भी आइडिया नहीं है। ओके वीवा, बाय 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 बाय। हेलो हेलो हेलो, विश्वा बात कर रहा है? कौन? हेलो, मैं शिव कुमार बात कर रहा हूँ डोमिनोज से। अच्छा बोलो। हाँ सर, मैं आपके मेन गेट के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पे हम लोग 40 पिज्जा लेके आए, आपके लार्ज पिज्जा आपने ऑर्डर किया था और आपने बोला था पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसलिए पेमेंट लेने भी आए और ऑर्डर भी देने आए। तो प्लीज नीचे आके आप ले लोगे? अच्छा, कितने पिज्जा है? 40 पिज्जा? 40, यस 40। अच्छा, और नाम क्या है? विश्वा नाम है। विश्वा, यस। अच्छा, और एड्रेस? ओके, कोई बात नहीं, आप मेरे सोसाइटी के गेट पे खड़े हो क्या? यस यस, मैं आपके मेन गेट पे ही खड़ा हूँ। अच्छा, क्या हुआ सर? आप थोड़े पूछ लेता हूँ, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है, मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है, मैं पूछ लेता हूँ सर। ऐसा मत बोलो। हाँ देखो कंफ्यूज। हाँ अरे एक मिनट भाई, मैं पूछ लेता हूँ। ओके ओके सर, ओके सॉरी भाई। पांक भाई, अरे ते कसू ऑर्डर तो दिसे डोमिनोज वाली ना? अरे डोमिनोज वाली फोन छे के 40 पिज्जा नो ऑर्डर कर्यो छे, ओके ग्लास ना ना ठीक है आ छे, ले एक मिनट बात कर ले ना। हेलो हेलो, हाँ जी कौन? यस मैं शिव कुमार बात कर रहा हूँ डोमिनोज से, बोलिए। हाँ सर, आपके 40 पिज्जाज रेडी है सर, हम लोग आपके मेन गेट पे खड़े हैं सर। आपने पेमेंट भी नहीं किया और इतना बड़ा ऑर्डर था, तो मैं सोचा खुद ही आ जाऊँ डिलीवरी के लिए। और सर अभी मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया, लेकिन सर ऐसे कैसे, ऐसे मत बोलो सर। अभी हम लोग आए हैं और सब लेके रेडी है, और ऐसा मत बोलो, अभी मेरी नौकरी पता नहीं सर, मैं नया नया आया हूँ, मुझे तो डायरेक्ट अपना काम कर रहा हूँ। वो बराबर है आपकी बात, लेकिन ऑर्डर भी मैंने किया हुआ चाहिए ना, अगर मैंने किया होता तो मैं ले लेता।
सर ऑर्डर मैंने किया नहीं तो मैं चार वो भी 40 पिज्जा मैं करूंगा क्या इतने सारे पिज्जा का लेकर। सर अभी मुझे मैं भी यही शौक था जब ऑर्डर देने आप आए थे, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है, तो सर मुझे पता नहीं आप देखो कंप्लेंट करने के लिए हमें मैनेजर को बुलाना पड़ेगा सर। हम लोग मेरे भाई लॉकडाउन चल रहा है, हम कहीं बाहर भी नहीं निकल रहे हैं, तो फिर कैसा सीसीटीवी फुटेज होगा भाई? किसी और का ऑर्डर होगा, एक बार चेक कर लो, नाम चेक कर लो, एक बार नंबर चेक कर लो, कोई गलती ना हुई हो, नंबर डायल करने में कोई गलती ना हुई हो, वो देख एक बार भाई। फुल सेम टू सेम नंबर है, बराबर जगह पे नंबर। भाई एक काम कर लो, आप अपने भाई से 20 का पेमेंट करा लो, 20 पिज्जास का, आप 20 का बस ऐसे करके दे दो, हमें जाने दो सर प्लीज, नेक्स्ट ऑर्डर भी डिलीवर कर। मेरे भाई वो घर से ही जाएंगे ना पैसे तो मेरे। अरे बट सर कर दो ना कैसे भी करके। भाई ऐसा 2020 कैसे होगा, मतलब तो पैसे तो मेरे ही जाएंगे ना, और वो भी ऑर्डर मैंने किया नहीं है, अगर किया होता तो मैं तुमको ऐसा क्यों बोलता। सर यार आप मेरी नौकरी पे आ गई है सर, एक काम करो, सर एक काम करो, आपके नीचे ये निंजा बाइक आपकी है सर? हेलो निंजा बाइक है ना मेरे पास, क्या हुआ उसका? भाई देखो सर ऐसा है कि अगर आप ऑर्डर नहीं लेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे तो सर हमें ये मैनेजर को बुलवा के लेके जाना पड़ेगा सर प्लीज, आप समझे बहुत बड़ा पेमेंट है सर प्लीज। अच्छा सर मैं खुद चलाऊंगा, मेरे गर्लफ्रेंड को लेके जाऊंगा, और सर देख लेंगे मैनेजर वगैरह देख लेंगे वो, नहीं तो मैं सर बेस्ट ऑप्शन भेज दूंगा। और अभी अभी मेरी बात सुनो, अभी तुम एक तो डोमिनोज से बात कर रहे हो यस, और मेरे को ऐसा बोल रहे हो कि मेरी बाइक उठा के ले जाऊंगा सर, क्या लोन पे लिया तुम्हारे पास? सर ऐसा नहीं सर, बाइक क्यों ले जाओगे सर? ऐसा नहीं है, देखो सर कौन सी बात हो गई मेरे भाई, तुम सही है, चलो तुम किसी ने ऑर्डर किया तुम्हारे पास से, कुछ भी अगर गलती हो सकती है किसी की नंबर देने में लेने में ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे बात करोगे आप, बाइक ले जाऊंगा मतलब, और फिर लेकर भी गर्लफ्रेंड को घुमाओगे? सर देखो यही काम बचा रह गया है तुम्हारा। सर देखो पेमेंट अभी इतना बड़ा है, प्लस मैं सर देखो क्या बोलूं, मेरे कपड़े भी एक तो लोन पे है सर। ये तुमने गलत बात की, बाइक ले जाऊंगा मतलब ये कौन सी बात होगी? सर सॉरी सर, बट सर समझो ना आप भी हमारा। नहीं ये अभी सॉरी नहीं, ये अभी तुम ऐसा बोल के फिर ये तो गलत सर, ऑप्शन ही नहीं है सर, ले जाऊंगा ये ले जाऊंगा सर, ऑप्शन ही नहीं है, आप पेमेंट ही करने काम करो, रुको अभी वो सब बात छोड़ो, तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? शिव कुमार। कौन से आउटलेट से बात कर रहे हो? आपके यहाँ से ही हम लोग बात कर रहे हैं, आपका जो क्लोजेस्ट आउटलेट है। अच्छा रुको भाई, अभी एक काम करो, तुम 40 पिज्जा लेकर वापस उधर जाओ, अभी हम लोग आएंगे सर, और आपको बताएंगे कि किसको कैसे डिलीवर करना है। ये क्या बात बोल दी तुमने, बाइक ले जाऊंगा मतलब, तुमको पता है मेरी बाइक मेरे जान से प्यारी और तुम उसको ले जाओगे? अरे सर मैं संकेत बोल रहा हूँ वीकेंड बाइट से, अगर आपको पता होगा। मेरे भाई मेरे को पता है, तुम कितने भी नंबर चेंज कर लो तुम्हारी आवाज से। अरे अरे वो क्या, अरे यार शिट। और तुमको पता है मैंने तुमको कैसे पकड़ा? तुमने क्या बोला कि तुम्हारी निंजा बाइक पर ये वो ले जाएंगे? मेरे भाई मेरा घर कितना अंदर है मेरी सोसाइटी से, मुझे तुमको मेरी निंजा दिख गई। एक तो प्रॉब्लम ये है, हम मुंबई से आप गुजरात से, मुझे तो पता नहीं उधर कैसा दिखता है सब कुछ। और मेन मतलब तो मैं समझ गया उधर से, और मेन मतलब तो पता चल गया, और मेन मतलब आपने आउटलेट पूछा, हम लोग कौन सा आउटलेट क्या बोलू। मैं इसलिए बोल दिया क्लोजेस्ट आउटलेट, मैंने सोचा कि तुमको भी और थोड़ा परेशान करता हूँ, आउटलेट पूछूंगा ना तो तुम ऐसे अटक जाओगे। भाई मेरे को इधर पसीना आ गया, मुझे पता नहीं था कैसे रिएक्शन आएगा, कुछ पता नहीं था। भाई एक मिनट में आपको वीडियो कॉल कर रहा हूँ, एक मिनट दो बस। हाँ ठीक है, चलो भाई वीडियो कॉल करते हैं, मुझे तो भाई मेरा लिटरली पसीना है, देख। ओ शिट, ओ हेलो हेलो, हाय आकाश, कैसे हो भाई? भाई बुरा मत मानना थोड़ा। अभी हमारी बाइक लेने कब आ रहे हैं? बाइक रुको, कुछ दिखा दे आजा, भाई बुरा मत मानना, सॉरी सॉरी हम लोग की तरफ से। अरे भाई इसमें क्या बुरा मानने की बात है, चलो। और भाई वेकन बैट फैमिली को एक बार हाय बोल दो आपका। चलो भाई चलो भाई, थैंक यू सो मच भाई, कीप वर्किंग हार्ड, मिलते फिर से, बाइक तो लेके जाऊंगा।
ये क्या था, उल्टा हो गया। हंग्री बर्ड्स थाने में रहते हैं, मुंबई में ही रहते हैं, बट आकाश और विश्वा रहते हैं गुजरात में, और मुंबई से हम लोग कॉल कर रहे हैं, हम लोग को एरिया नहीं पता, आउटलेट नहीं पता, वो पता नहीं, कुछ नहीं पता, हम लोग सिर्फ प्रैंक करने के लिए डायरेक्ट स्टार्ट, बट काफी मजा था, मजा आ गया। मैं बीच में बोलते अभी विवा का जो अगर पसंद आया प्रैंक तो अभी लाइक कर दो, अभी लाइक ठोक दो और अभी तो बाकी है पिक्चर, और अभी तो पिक्चर मेन बाकी है, अब प्रैंक करेंगे हम लोग, प्रैंक कॉल करेंगे हंग्री बर्ड्स, तो चलो कॉल लगाते हैं। तो हम लोग की आज अंडरकवर होगी शेरिल, जो हमारी कैमरा गर्ल, तो उसको हम लोग एक लवर बनाने वाले हैं, ठीक है, और हम लोग हंग्री बर्ड से कॉल करने वाले हैं उमेश को, तो उमेश को कॉल करते हैं, उसकी थोड़ी आज टांग खींचेंगे, तो उमेश सॉरी एडवांस में, बहुत सीन होने वाले आज, ठीक है, तो कॉल कनेक्ट करते हैं शेरिल को, और शेरिल करेगी उमेश को कॉल, शेरिल का नंबर उसके पास नहीं है, शेरिल भी ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम ही कर रही है, उसको भी पता है क्या बोलने का है। तो कैमरा गर्ल रेडी हो क्या कॉल करने के लिए, आज तेरी क्या बोलते हो अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा है, ओके। अच्छा कैमरा गर्ल, कैमरा गर्ल इसके पहले ऐसा कुछ किया है? नहीं, मेरे को फ्लर्ट करना नहीं आता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं कुछ कर ली वैसा कुछ, ठीक है ठीक है, उमेश ऑल द बेस्ट, मुझे नहीं पता है कैसे जाने वाला है, वीडियो देखोगे तो समझेगा, ठीक है, शेरिल रेडी, रेडी, ओके, कॉल कर उमेश को, कॉल कर और मेरे को कनेक्ट कर जल्दी, चल हम लोग म्यूट पे डाल रहे, ओके, हाँ चल, तुम ही क्या व्यक्ति शिखो ना, उमेश उठा फोन, हेलो, हाय हाय, मैं लवली बात कर रही हूँ, लवली, हेलो, यस, मैं उमेश से बात कर रही हूँ, हाँ बोल रहा हूँ, हाय, मैं लवली सिंह बोल रही हूँ, आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे फाइनली आपका नंबर मिल गया, आई एम सो हैप्पी, आपको बता नहीं सकती हूँ, आई एम अ रियली रियली बिग फैन, ओ लवली, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू वैसे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस एकदम बढ़िया, वैसे आपको मेरा नंबर मिला कहाँ से? वो तो आपके किसी खास दोस्त ने दिया है, वो सब तो होता रहेगा, वो तो छोड़ दो, बट आप कैसे हो मेरे को? हाँ अच्छा, मैं तो ऑल गुड हूँ, ओके, मेरे को आपको एक चीज बतानी है, लेकिन बहुत दग दग हो रहा है मुझे एकदम, नहीं बोलो क्या 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 हो के तुम्हारा दिल धक धक हो रहा है, मुझे भी सुनना है, क्योंकि तुमने जब बोला उसके बाद से मेरा भी दिल धक धक हो रहा है, बोलो ना। देखो फैन वैन तो ठीक है, लेकिन आपसे शादी करनी है, देखो आपका नंबर जब से मिला है मेरे को आपसे शादी करनी है, आपको बता नहीं सकती मैं कितनी एक्साइटेड हूँ आपको ये बात बताने के लिए। अच्छा आपको मुझसे पहले, मेरी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, अरे हो गई है मेरी शादी फिक्स हो गई है, मैं अभी एक दो साल में शादी करने ही वालों पर, अरे मेरे बचपन में ही शादी फिक्स हो गई थी, मैं छोटा था ना जब 5 साल का था, इनफैक्ट जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना उसकी पहली मम्मी ने मेरी शादी फिक्स कर दी थी। मेरे को नहीं पता, मैं आने वाली हूँ, मुझे पता है मुंबई में रहते हो और मैं मुंबई वाली हूँ, अरे मुझे भी नहीं पता था मेरी शादी फिक्स हो गई है, वो तो मेरी मम्मी ने मुझे अभी 15 दिन पहले बताया कि शादी फिक्स हो गई है मेरी, मुझे भी मैं शादी तोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं आऊंगी, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। अच्छा शादी तोड़ोगे? अच्छा यार, बट अब वो बचपन से वो लड़की मेरे नाम का मंगलसूत्र पहन के घूम रही है सब जगह। मैं दो इतने सालों से आपके वीडियोस देख देख के इतने खुश होती हूँ, आप इतने क्यूट हो, ओह गॉड, और उसके बाद मैं इमेजिन नहीं कर सकती आप किसी और से शादी कर रहे हो। अब मैं क्या कहूँ यार, वैसे थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, क्यूट हो आप, ये बात मेरी मम्मी को बोल सकते हो क्या? मैं मेरी मम्मी को फोन दे दो, क्योंकि मेरी मम्मी को लगता हूँ मैं दुनिया का सबसे बड़ा निकम्मा। आज मदर्स डे भी विश कर दूंगी उनको, तो इसलिए मत आओ, घर पे रहो और घर पे बैठ के सेफ रहो। मैं बहुत बड़ी, ओहो सत्य लौंडा, धक धक करने लगा। ये कौन है यार, ये इसको भी मुझसे शादी कर रही है क्या, ये कौन है भाई, पहचाना क्या? संकेत सागर, वेकन बाइट, अरे नहीं देखो ये आवाज, ये लड़की का आवाज पहचाना क्या, कौन है? नहीं यार मैंने नहीं पहचाना, बता कौन है तू, लवली सिंह बताओ। मैं शेरिल हूँ, द कैमरा गर्ल।
पहले बोलती शायरी में तो मैं कब का हाँ बोल दिया होता और उमेश का बात कम हुआ था इसलिए हम लोग ने शैरिल को बोला कॉल करने के लिए और देखो नतीजा देख सकते हो। बट उमेश भाई तू जैसा कैमरा पे एकदम आराम से रहता है कामली एकदम वैसा ही फुल कॉल पे भी बात करता है एकदम मतलब रियल रियल रहता है एकदम मुझे ये नहीं पता था कि अब मुझे वीकेंड बाइट प्रैंक करेगा बट इजीली मुझे लगा था मेरा कोई फ्रेंड ही होगा जो मुझे प्रैंक कर शैरिल वैसे ना जैसे ये फोन कट जाएगा ना प्लीज डू कॉल मी बैक। अच्छा उमेश 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 वो सॉन्ग कैसा लगा धक धक करने लगा दिल धक धक करने लगा धक धक करने लगा यार बट यार मैं जब पर सच बोलूं क्या संकेत जब शैरिल ने गाया ना दिल धक धक करने लगा तो सुन के कम से कम दिल धक धक तो हो रहा था पर जब तूने गाया ना दिल धक धक करने लगा सीरियसली बोल रहा हूँ आई फील लाइक वॉमिटिंग। अरे सागर ने गाया सागर ने गाया सागर है वो सिंगर सागर है वो सिंगर। तो उमेश भाई सुनो सॉरी आपको बुरा बिरा लगा रहेगा तो बट आज देखो इसके पहले हम लोग ने दो मिनट पहले ही हम लोग ने विवा फूड वर्ल्ड को भी कॉल किया था उनका रिएक्शन भी बहुत अमेजिंग था प्रैंक कॉल हम लोग ने आज सोचा कि फूड फूड वालों को सबको आज प्रैंक कॉल करते विवा फूड वर्ल्ड को किया आपको क्या ऐसा हुआ। अच्छा तो ये वीडियो वीडियो बना रहे हैं हम इसके। हाँ वीडियो चालू है कैमरा के सामने यार तुम लोग ने ले ली यार मेरी यार मत डालो यार। अरे मजा तो तब आया जब शैरिल बोले ना मुझे आपसे शादी करनी है और तू जब बोला ना यार मेरी शादी तो बचपन में ही हो गई। शैरिल बोल रही है मुझे शादी करनी है और पीछे से शैरिल की मॉम और भाई झाड़ू लेके क्या फिर से बोल संडे का आफ्टरनून वैसे भी मूवीज देख देख के बोर हो गए लॉकडाउन में इतना अच्छा कम से कम किसने मेरा प्रैंक कर दिया अच्छा तो लगा सुन के किसको मुझसे शादी करने में मैं खुश हो गया था जमीन पे गिरा दिया बोल के सही है सही बट सॉरी अगर बुरा लगा रहेगा तो फिर भी अरे यार बस क्या यार तो ओके यार वो बाय हो सॉरी है ना ठीक है चलो बाय थैंक यू बाय बाय मिलते हैं वापस बाय 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 भाई भाई। ओ भाई टेंशन आ गया था कि कैसे रिएक्ट करेंगे वो लोग मुझे पता नहीं था कैसे रिएक्ट करेंगे बट वो लोग ने दोनों ने स्पोर्टिंगली लिया मतलब बस उतनी हम लोग की दोस्ती है ऐसा नहीं कि कुछ वो लोग को बुरा लग जाए बट ठीक है अच्छा लगा आज का चैलेंज देख के। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हम लोग ने प्रैंक कॉल किया विवा फूड वर्ल्ड और हंग्री वर्ल्ड क्या बात है। तो गाइज आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया ही रहेगा क्योंकि इतना देखो हम लोग ने दोनों फूड मतलब फूड के जो एकदम टॉप क्रिएटर आपने ही बोला था कि तुम लोग तीनों कब एक साथ आओगे हंग्री बर्ड्स विवा और तो अभी लॉकडाउन में हम लोग ऐसे ही आगे आ सकते हैं और कुछ ऑप्शन नहीं है तो फिर भी हम लोग ने कोशिश की पूरी आपको उनसे मिलाने की और प्रैंक कॉल कैसा लगा वो कमेंट में पक्का बताना। और गाइज आज के वीडियो का लाइक एम रखते हैं 20,000 लाइक्स। गाइज अगर आपने 20,000 लाइक्स कंप्लीट कर दिए लाइक एम वो लाया हम लोग का जो लाइक एम है तो हम लोग नेक्स्ट प्रैंक कॉल करेंगे ऐसे तीन क्रिएटर्स के साथ वो भी धमाकेदार होगा वो एकदम एकदम फनी होगा एकदम कॉमेडी एकदम सस्पेंसफुल होगा एकदम खतरनाक होने वाला है। तो उसके लिए हंग्री बर्ड्स लवर्स और विवा फूड वर्ल्ड लवर्स प्लीज वीडियो को जाके जल्दी से जल्दी लाइक करो और चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे तो हम लोग दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भूलना मत हम लोग का आईडीज इधर है तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और मुझे टिकटॉक पे फॉलो करना भूलना मत मैं बहुत सारे फूड चैलेंजेस करता हूँ दबा दबा के खाता हूँ उसकी आईडी भी इधर है टिकटॉक की प्लीज फॉलो करना। सो दैट्स इट गाइस अगर आपको आज का वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज अभी जाके सब्सक्राइब करो और बहुत सारे कमेंट्स करो लाइक तो आपको 20,000 करना ही है प्लीज जल्दी जाके 20,000 लाइक कर दो एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम न्यू चैलेंजेस एंड प्रैंक बाय स्टे होम स्टे सेफ मिलते हैं अगले वीडियो में बाय।